गोपालगंज में अगर आप सोचते होंगे कि महावीरी अखाड़े और चहल्लू में डीजे बजाने को, तो गलती से भी ये मत करिएगा। अगर आप सोचते होंगे कि महावीरी और चहल्लू में हथियार का प्रदर्शन कर लें, तो ये भी मत करिएगा, वरना आपको बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा या फिर पुलिस आप पर FIR कर आपको जेल भेज सकती है। दरअसल गोपालगंज पुलिस भी इन दोनों पर्व को लेकर किस तरह से तैयार हो रही है, वो तस्वीर आप देख लीजिए। सभी जगहों पर पुलिस की तैयारी चल रही है, पुलिस स्काउट कर रही है और ऐसे लोगों की चिन्हित भी कर रही है जो लोग समाज में गंदगी या कुछ उस तरह के मामले को विवादित बना सकते हैं। ऐसे लोगों पर पुलिस लगातार नज़र बनाई हुई है। ख़ासतौर से पुलिस के द्वारा DJ वालों पर कार्रवाई की जा रही है। DJ वालों पर 319 DJ पर बॉन्ड डाउन कराया गया है, यानी जो DJ के मालिक हैं उनसे बॉन्ड डाउन कराया गया है। 363 DJ मालिकों से शपथ पत्र भरवाया गया है कि वो लोग किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में अपने DJ को नहीं ले जाएंगे। अगर ले जाए पाया जाते हैं तो उनके ऊपर पुलिस कार्रवाई कर देगी, उनके DJ को भी जब्त कर लिया जाएगा और उसे डिस्ट्रॉय करते हुए उन पर भी मामला दर्ज होगा और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाएगा। तो अगर आप सोचते होंगे ये सब करना, तो गलती से भी मत करिएगा, क्योंकि गोपालगंज पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। ऐसे में इसी सभी चीज़ों को लेकर क्या कुछ गोपालगंज के SP बता रहे हैं, सुन लीजिए। को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है और इसी क्रम में सभी थानों में शांति समिति की बैठक हो रही है और कल इसी क्रम में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक की गई थी और उसमें यह निर्णय लिया गया था कि सरकार का जो निर्देश है DJ पे पूर्ण प्रतिबंध का, उसको कड़ाई से लागू कराया जाएगा और DJ पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। और इसी कड़ी में 319 DJ वालों पर हम लोगों ने बॉन्डन कराया है और 400 से ज़्यादा DJ वालों से शपथ पत्र भरवाया है कि धार्मिक जुलूसों में वो DJ का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। क्या क्या तैयारियां हैं? लाइसेंस आ रहे हैं अब, चूँकि यह त्यौहार 2 से 2.5 महीने का होता है और अलग अलग जगहों पर अलग अलग तिथियों में निकलता है, तो जैसे जैसे लाइसेंस आ रहे हैं उस तरह से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। रक्षाबंधन के अगले दिन ही महावीरी अखाड़ा का शुरुआत होगा। 29 और 30 को भी कई थाना क्षेत्रों में जुलूस निकाले जाने हैं और इसके लिए जो बल की प्रतिनियुक्ति होती है, संयुक्ता देश होता है, शांति समिति की बैठक और सभी झंडा निकालने वाले जितने भी जुलूसधारी हैं उनको कहा गया है कि लाइसेंस लेना अनिवार्य है, बिना लाइसेंस का कोई जुलूस नहीं निकाला जाएगा और बिना पुलिस स्कॉट के कोई भी जुलूस नहीं निकाला जाएगा और सभी जुलूस के साथ पुलिस स्क्वाड बना रहे, दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति रहे, इसकी पूरी तैयारी की जा रही है और हम लोगों की पूरी अपेक्षा है कि जो महावीरी झंडा और आगामी पर्व त्यौहार चेहल्लुम और श्री कृष्ण जन्माष्टमी, ये सभी त्यौहार बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से निकले, सभी जुलूस डिग्निफाइड तरीके से निकले और पूरी शांतिपूर्ण तरीके से त्यौहार मनाया जा सके। DJ के साथ साथ घातक हथियारों के प्रदर्शन पर पूर्ण तरीके से रोक है और हम लोगों के अपील पर पिछले जो त्यौहार हुए मुहर्रम रामनवमी, इन सभी में हथियार का प्रदर्शन नहीं हुआ था और DJ भी नहीं बजाया गया था। हमें पूरी अपेक्षा है, हमें पूरा भरोसा है कि जो जिलावासी हमारे गोपालगंज के, वो अब आगे के जो त्यौहार आने वाले हैं इसमें भी हथियार का प्रदर्शन नहीं करेंगे और इस पर चूँकि रोक है, जुलूस की लाइसेंस की मुख्य शर्तों में है कि घातक अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन नहीं करना, तो ऐसे अगर करते हुए पाए जाते हैं तो लाइसेंसधारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो आपने साफ तौर पर गोपालगंज के SP स्वर्ण प्रभात को तो सुन ही लिया कि अगर आप ऐसा कुछ भी करते हुए पाए जाते हैं तो आप पर निश्चित ही कार्रवाई कर दी जाएगी, आप पर CCTV कैमरा और ड्रोन कैमरा से भी निगरानी रखी जाएगी, हिडन में भी पुलिसकर्मी काम करेंगे। अगर आप हमारा ये चैनल YouTube पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, Facebook पर देखते हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।